हेलो गाइस, सुभाष शर्मा नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हो टेक विश्वास। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको दशहरा की प्रो लेवल की स्क्रिप्ट देने वाला हूँ ब्लॉगर के लिए। अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो देखते रहिए। इस स्क्रिप्ट में खास बात यह है कि इसमें आपको फ्री में मिलेगा सब कुछ और इसमें आपको जो है प्रो लेवल के फीचर भी देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम डेमो देख लेते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट कैसी है। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ अपना व्हाट्सएप। तो गाइज, आप देख सकते हो मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन कर लिया है। व्हाट्सएप ओपन होने के बाद आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर एक मैसेज आया हुआ है, वो ये कि सुभाष ने आपको गिफ्ट भेजा है, ब्लू लिंक पर क्लिक करके देख लो। और शायद अगर आप गौर से और देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा blogspot.com, यानी कि ये ब्लॉगर पर बनी है। चलिए हम इस ब्लू लिंक पर क्लिक करते हैं। ब्लू लिंक पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो किसी भी ब्राउजर में इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और आपके सामने ये आएगा गिफ्ट को टच करके देखो। चलिए हम गिफ्ट को टच करते हैं यहाँ पर। सो गाइज, आपने देखा कि किस तरीके से हमारी स्क्रिप्ट है वो ओपन हो रही है। आपने अगर गौर से सुना होगा तो आपको सॉन्ग भी देखने को मिला होगा। काफी कमाल का सॉन्ग मैंने ऐड किया है, जिससे कि जो भी सुने उसके अंदर जो है एक फीलिंग आए और वो नाचने लगे। यहाँ पर प्रो लेवल के फीचर है वो चलिए मैं आपको एक करके करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है सुभाष की तरफ से हैप्पी दशहरा। तो आप देख सकते हो ये काफी कमाल का लुक है और ये जो स्क्रिप्ट है ना, इसमें ये जो GIF यूज की गई है काफी कमाल की लग रही है, प्रो लेवल का इसे बनाती है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक पोएम लिखी गई है जो काफी कमाल की है। इसको पढ़ेगा ना तो काफी कमाल का लुक देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद आप देख सकते हो ये एनिमेशन काफी कमाल का लग रहा है। यहाँ से श्री राम और यहाँ से ये रावण है, श्री राम इसको मार रहे हैं, तो काफी कमाल का लुक देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। उसके बाद नाम डाले का ऑप्शन है और यहाँ पर जो ये एनिमेशन करती हुई स्लाइड बार एड की गई है। यहाँ पर कुछ लिख सकते हो वो बंदा, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ अजनबी। देखिए, स्पेलिंग में गलती हो रही है क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे। जैसे गो पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ये अजनबी नाम आ जाएगा, अजनबी की तरफ से। उसके बाद यहाँ से शेयर ऑन व्हाट्सएप कर सकता है वो बंदा। इस तरीके की हमारी स्क्रिप्ट है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो और स्क्रिप्ट पसंद आई है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पास में आने वाले घंटे को दबा देना। तो सबसे पहले आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी जो डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगी तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस करने के बाद ये गूगल ड्राइव में ओपन हो जाएगी। चलिए हम गूगल ड्राइव में इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे आप ड्राइव में इसे ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये ड्राइव में भी कुछ इस तरीके से ओपन होगी, लेकिन ये ड्राइव में वर्क नहीं करेगी क्योंकि आप जानते हो कि ये सिर्फ डोमेन पे ही वर्क करती है ना। तो यहाँ पर एक जो ऑप्शन दिखाई देगा थ्री डॉट्स का, आप देख सकते हो ये थ्री डॉट्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने जो हो बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। बाय द वे, आपको डाउनलोड नहीं करना है, ये जो बटन है ना ओपन विथ का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितने भी HTML एडिटर एप्लीकेशन होगी या फिर ब्राउजर होंगे वो आपको शो हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। यहां पर आपको इस जो स्क्रिप्ट है वो जो HTML एडिटर में ही ओपन करनी है क्योंकि HTML एडिटर के बिना ये सपोर्ट नहीं करेगी। तो यहां पर मैं यूज करने वाला हूँ यश नोट एडिटर का। आप भी मेरे रिकमेंडेड के अनुसार इसके का ही यूज करें। इसकी जो डाउनलोडिंग लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया मैंने, तो वहां जाकर इस जो यश नोट एडिटर को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये सारी की सारी कोडिंग है वो यश नोट एडिटर में ओपन हो गई है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलता है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ग्लोबल साइट टैग है, यहाँ पर आपको अपना जो ग्लोबल साइट टैग है यानी कि गूगल एनालिटिक्स का कोड वगैरह डालना है। अब क्यों डालना है, कैसे डालना है, अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप सारी डिटेल जान सकते हो। उसके बाद आपको कहीं भी यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट है इसमें कोड है इसमें कहीं भी अपनी वेबसाइट का URL नहीं देना है क्योंकि जिस वेबसाइट पर ये लगेगी ऑटोमेटिक उसका URL ये कैच कर लेगी, तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा तो इस स्क्रिप्ट का आप यूज कर सकते हो, ऑटोमेटिक वो ले लेगी और आपकी ही जो वेबसाइट का प्रचार करेगी। अब बात आती है कि इसमें ऐड कैसे लगाई, तो ऐड लगाना सिंपल है। यहाँ पर आपको थ्री डॉट्स मिलते हैं, देखिए ये थ्री डॉट्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर कीवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, तो आपको कीवर्ड डालना है एडसेंस क्योंकि एडसेंस के हम कोड लगा रहे हैं, तो एडसेंस डालना है। उसके बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया एडसेंस
वन, यानी कि यहां पर आपको एडसेंस का एड कोड लगाना है। अगर आपके पास एडसेंस का अप्रूवल नहीं है, विशिंग वेबसाइट से पैसे कमाना चाहते हो, तो हमने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं कि एडसेंस के अलावा आप कौन से एड नेटवर्क के यहाँ पर एड लगाकर पैसे कमा सकते हो। उन सारी वीडियो की, तीन चार वीडियो हमने बना के रखे हैं, उन सारे वीडियो की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप जो है वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आगे का प्रोसेस किस तरीके से यहाँ पर एड लगाने वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके एड कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना, ये एडसेंस वाला एक हमने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर एक तीर का सा जो ऑप्शन है एरो का, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो एडसेंस टू, यहाँ पर आपको एडसेंस का जो अगला कोड है वो पेस्ट करना है। इतना होने के बाद आपका काम पूरा हो जाएगा। अभी कुछ नहीं करना है, जो आगे का काम है ये स्क्रिप्ट अपने आप कर लेगी। अब कहीं पर भी लॉन्ग फ्रेज कीजिए। लॉन्ग फ्रेज करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेलेक्ट ऑल का। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आपको देखने को मिल गया है। सेलेक्ट ऑल का इस पे क्लिक कीजिए और यहां से कॉपी कर लीजिए पूरे कोड को। अब जाना है आपको अपने ब्लॉगर में। चलिए ब्लॉगर के डैशबोर्ड में चले जाते हैं। ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखिए थीम का। थीम पे क्लिक करके आपको इस पेज पे आ जाना है। अब देखिए अगर आपको विशिंग वेबसाइट नहीं बनानी आती तो जो आप इस पेज पे नहीं आओगे ये है क्लासिक थीम का ऑप्शन। इस पेज पे नहीं आओगे, कहीं और चले जाओगे। बहुत से लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भाई एरर आ रहा है, इतनी लाइन में एरर आ रहा है, इतनी लाइन में एरर आ रहा है। तो भाई आएगा ही। आप थीम के HTML, जो हमारी मैन थीम होती है, उसके HTML में चले जाते हो तो वहां तो एरर आएगा ही। आपको काम करना यह है कि आपको सबसे पहले विशिंग वेबसाइट बनानी सीखनी है। अगर आपको नहीं आती तो सीखोगे कैसे, उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की जिसमें मैंने आपको ब्लॉगर पर विशिंग वेबसाइट बनानी सिखाई है ना। सिंपली वहां पर आना है, उसके बाद आपको सीख जाओगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। उसके बाद जो कॉपी किया था उसको लॉन्ग फ्रेज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है एडिट थीम HTML। यहाँ आना है और लॉन्ग फ्रेज करोगे। लॉन्ग फ्रेज करने के बाद सिलेक्ट ऑल करोगे और यहाँ से डिलीट कर दोगे जो भी कोड होगा। उसके बाद फिर से लॉन्ग फ्रेज करोगे और पेस्ट कर दोगे। उसके बाद जो है यहाँ से सेव कर दोगे। सेव हमने कर दिया, बाकी कुछ काम हमें नहीं करना है। देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, सेव हो गया हमारा। तो गाइस अब जो है व्यू ब्लॉग हम करते हैं। व्यू ब्लॉग करने के लिए व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे और ये जो हमारी ओपन हो जाएगी स्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि गिफ्ट को टच करो, इस पर क्लिक करते हैं हम। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने वॉल्यूम कर दिया है कम, क्योंकि आप जानते हो कि सॉन्ग सुनाना अच्छी बात नहीं है वीडियो में। सो गाइज ये रही स्क्रिप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, पास में आने वाले घंटे को दबाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।